हसनपुरा में बीओ के कार्यालय में पदस्थापित बीआरपी और संकुलन संचालक द्वारा पैसा उगाही का ऑडियो हुआ वायरल। हसनपुरा प्रखंड के बीआरसी कार्यालय में पदस्थापित बीआरपी संकुलन संचालक द्वारा बीओ के इशारे पर प्रखंड के शिक्षकों से पैसा उगाही का ऑडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कर्मी द्वारा शिक्षकों के बढ़े हुए 15% वेतन के फिक्सनेशंस के लिए प्रति शिक्षक 500 रुपये की उगाही किया जा रहा है। वहीं नवनियुक्त शिक्षकों के योगदान के स्वीकृत के लिए 2500 रुपये प्रति शिक्षक की उगाही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमारी के इशारे पर बीआरसी कर्मी और संकुलन समन्वयक तथा संकुलन संचालकों द्वारा कराए जाने का ऑडियो वायरल हो रहा है। आइए सुनते हैं वायरल ऑडियो का सच। प्रणाम सर। हाँ भैया प्रणाम। क्या हाल बा? ठीक तो क्या होता? कार्ड भेजने के में गोल लगे। कौन सी कार्ड? भतीजा के शादी बा, 15 के 3 लाख हुआ में चले के भाई। एकदम एकदम बानी इधर लोग करा के क्या नाम है राजेश के? ठीक ठीक। अच्छा एक की बताइए, रघुआ सी आर सी में के, 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 फिक्सेशन में कितना रुपया वसूल के देनी हुआ? अभी देले कहाँ बने सही बताए। अरे वही बाग प्रतिबंध 200 से 200 रखाता 500 से 500 रखाता इससे ज्यादा नहीं है। 500 रुपया प्रति शिक्षक? हाँ 500 रुपया देता हूँ लिया था जो नहीं खेले तो चल रहा है। के कॉलर है? मीटिंग में बॉयल हो जाए डीएससी में। अच्छा अच्छा तो 500 रुपये फिक्सेशन के? ना 500 नहीं के महाराज, परीक्षा के ऊपर है। अच्छा बहुत ऊपर दिल ही नहीं कहता क्या हो बोला फिक्सेशन ना ठीक बात, लेकिन पैसा ले छोड़ दो ठीक बा। पैसा एगो शिक्षक से अगर तू ले लो असूली कर लो तो तू बुझिए तार काम बुझी भैया। यही सामने ही बीओ साहब बानी, अब बीओ साहब के आदेश पर असूल तरह नू, एक बाद अगर असूली हो गई तो तू जनिए तार काम जानी। ठीक हो ठीक हो ठीक हो जान तो नहीं जी। हाँ वो दिन आना जो मामला मैंने देखा था नू कितना इबा पायलट कॉल कर लिया हमारा से का प्रभात सिंह मान तो कहाँ से वीडियो वीडियो करा के भेजा था देखिए। और आज के बाद समझ गए हमारा कहीं कई 16 मैटर मत दे हमारे जल्दी संचालक से भले हमको हटा दीजिए दूसरे तीसरे को दे दीजिए पता है। हम लोग दूसरे की बात क्यों सुनेंगे हम बताए काम कर रहे हैं आपका पैसा कोई का मतलब बहुत खराब होता है। हाँ ना ना ये कहे ना कहने की हम पैसा वसूल करूंगा के देवे खातिर हम मैंने मास्टर बहाल भइल बनी ये कहे ना कहनी रहुआ ना हम कहनी रही हम दोस्तों भी मैडम हम बीपीए काम पर नहीं करेंगे समझ गई। हाँ संचालक के ऊपर आप क्या बीपीए काम मत दीजिए हमको बल्कि ना जाए जब क्यों के शिक्षक के दोहन करके रहुआ के रुपया ना पहुंचाए ये कहे ना ना जब पैसा का मचा तो अमित सी आर सी से पैसा कुछ नहीं थे तो संचालक देखेंगे कौन कौन बहुत गोल खेला चली जाएंगे। अच्छा एक चीज बताई भैया रउआ मैंने शिक्षक लोग से असूल कर रुपया पहुँचाए वही कथा खराब लगा था। हम देशों पर हम स्पष्ट बोल देंगे जिसको देना है दीजिए जितना देना उतना दीजिए जो देगा मैं उनको नाम लिखकर उनको दे दूंगा बात खत्म। हम प्रेस किसी पर नहीं करेंगे इतना ही दीजिए ना ना भैया तो देखिए भैया प्रेस अलग चीज हो गई वो तो मान ली रउआ से मीटिंग बला के संचालक लोग कहली रउआ जगह बतैनी आ ऊ रहली सामने मैडम आ तब हम का नाम रउआ सामने फोन कैनी आ यही से हम कहनी कि रउआ एकरा बाद हमरा कहली चुकी और बहुत शिकायत आई रहे आ कि रउआ सुनी ना हमरा के मास्टर लोग बहुत फोन कैल कि भैया देखी ना बताई हमनी से ध्रुवनारायण बाबू पैसा लेतनी का नाम हम हम देना दे दीजिए ना ना रउआ हर मास्टर जे जमा करेगा कहनी ना बीओ मांगा तरी पैसा चाहिए तो रउआ काहे मांगे मैं काहे देम रउआ 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 हम बीती
काम में बोले संचालक को हम हटा दिए। हाँ एकदम ठीक, हम किसी हमें दो टीचर का फोन आ रहा है, अब तो ग्रामीणों का फोन आ रहा है, तो मैं कहाँ का जवाब दूँ मोदी, पैसा लीजिएगा आप, बदनाम हो रहे हैं हम, काम है काम दीजिए, मैं काम नहीं करूँगा तब ना, ये पैसा कर मतलब हमको मत दीजिएगा, ये बात रुपये बता दो बनी। हाँ ठीक एकदम ठीक, पैसा कर मतलब हम नहीं जानते कितना कितना लहसुन ले बनी भैया, कहाँ दूसरा प्रिंसिपल को दे लो काम सा दे लगे, ये तो मैं तब सौ कितना रुपये तो हमारा खाली फोन आये हम मना कर देने के मन दलो जे 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 कहे न मांगे हमरा से कह दे प्रभात बाबू कहनी है कि नहीं देवे के तब नु रोगा खाली कम पहुंचल बा ना ना उदन को भी छोड़े ना ही करना पड़े ना एकदम देखी रोगा से दसो विद्यालय विद्यालय के कर के गांव में आओ। हां देखी हम तो यो कर मैडम से ना आपका हक है विद्यालय के की विद्यालय तो आप नहीं है और आपके तो 11 बजे आती है 12 बजे उससे कीजिए ना उसे तो करिएगा तो आपके ऊपर कोई उंगली नहीं कर सकता है। अरे मैडम 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 खुदे वो अपना डेरा पर सूता रहता रही, वो कहाँ है बता रही ऑफिस रुका बताई सब एक ऑफिस आ गई दोनों काम लग जा तो सिवान मैडम है। हाँ सिवान मैडम है तो ये बताई ये धंधा बा ये बात के अगर भैया उजागर रहुआ लो हमनी के गार्जियन बनी वरिष्ठ शिक्षक बनी रहुआ संचालक भी रहल बनी संकुल संचालक मालिक रहुआ वही दिन हम गल बनी भी अतिया बेकार बनी जाइए। हम स्पष्ट बोल देंगे जो हमने से काम नहीं होगा ये करवाना है आप करवाइए ना तुमका मैडम हमारा विद्यालय पर वही पीरियड में हम कहने हम मैडम आए थे हमारे विद्यालय पर तो हम अपन बात रखनी कि मैडम बहुत गलत होता रुआ द्वारा असूली करावल जाता कि जो सरासर गलत बा कई गो शिक्षक देखिए हम रुआ शंकु संचालक कल फोन लगा रुआ सामने पूछत नहीं तो रुआ कहनी हम कई गो शिक्षक से देखिए अरे अरे सामने कई गो शिक्षक कितना रुपया बाबू दिला हलो तो 500 रुपया कई गो शिक्षक लोग भी सामने कहल आ वही जो मैडम बारी 2.5 घंटा तक सब कुछ सुनवाइले बनी हम कहनी मैडम ये अच्छा बात नहीं है आई इस तरह के हुई तो हमारा विरोध करें इरोजान जी अगर हमारे शिक्षक कहीं दोहन हुई तो हाँ कहीं समझौता ना हुई क्योंकि शिक्षक के बहुत आशा बा लोग हमारे हमी के फोन करके कहे विद्यालय का निरीक्षण कीजिए जो पकड़ा है उसको दंड दीजिए वो आपका अधिकार है वो आपका अधिकार है पैसा उसमें 15% 10% तब साफ रुआ कह दी रुआ से हमारे हाथ जोड़ के अरे प्रभात भाई वही तो हम मना करूंगा हमसे ये काम नहीं हो पा रहेगा हम सफर से आते हैं अपने टाइम नहीं है माता के पीछे घूमते रहे पैसे के लिए 2-4 सफर पैसा मांगे आपको करना है तो आप मीटिंग कीजिए सबको बुलाइए सबसे लीजिए उसे लीजिए बात खत्म और सब भैया और सब ठीक है भैया अपना से मांगी ठीक बा रउआ मांग के पैसा वसूल के मत भेजवाए ना 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 ये कभी हम करबे जिंदगी में नोट कर लिया बात के बाद हाँ ये बात वही कह देने पैसा वसूल हम एक काम नहीं करेंगे ठीक बा भैया प्रणाम।